मेरा नाम शुजाउद्दीन है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में 12/12/2019 में अपॉइंटमेंट हुआ था और MPS साहिबान और ये DHO साहब जो है वो अभी तक 8 महीने गुजरने के बाद जो है अभी तक हमारी तनख्वाही नहीं दी, लेकिन हम अपील करते हैं कि DHO साहब से और MPS साहिबान से कि वो हमारी तनख्वाही जल्द अज जल्द रिलीज़ कराएं। और बाकी बात ये है कि ये जब हम ये एडवर्टाइज़ हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, अखबारों में आई थी ये पोस्ट, लेकिन उसके बावजूद अभी ये कह रहे हैं कि MPS और ये DHO साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप गलत तौर तरीक़े से आपको अपॉइंटमेंट की गई है, लेकिन हम किस तरह ये गलत तरीक़े से अपॉइंटमेंट हुए हैं। हमारे पास चित्राल के डोमेसाइल हैं, हम चित्राली हैं और चित्राल के पोस्ट हैं। अगर हम चित्राली नहीं है, अगर डोमेसाइल हमारा चित्राल का नहीं है, तो फिर ये सबूत पेश करें। लेकिन 8 महीने से हमारी तनख्वाही नहीं हुई, हमारे अपील ये है कि हम यानी 8 महीने की वो तनख्वाही जल्द अज जल्द हमें वो क्या रिलीज़ करवाएँ और हमें दी जाए, बस यही मुतालबा है हमारा। मेरे नाम मुहिबुल्लाह सर, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का मुलाजिम हूँ। हमारा जमुंगा 8 महीने वर्ष में सर्विस का उमंगा हेल्थ डिपार्टमेंट की जमुंगा 108 कसानों की दास कसान टोल आइसोलेशन वार्ड की डिप्टी कलदा चाह कोरोना स्क्रीनिंग की डिप्टी कलदा चाह कारंटीना की कलदा 8 महीना वर्ष में दीव तनख्वाह वसा पूरी न मिला वीगी मुंग MPA वजीरा साहब MPA दैतुररहमान साहब अब्दुल अकबर साहब सजमुंग मीटिंग वशो अगर मुंग तदवा उराजी ने टकली दुआ उराजू ना बात आलाड़ पिशावर तजमुंग मसला वसा पूरी न दाल कली मुंग सा फेमेल फुआन दी और मेन रूना टोल रागल दी 108 चौक देसी ऑफिस मखिता प्राते दी चौक जज दफ्तर मखिता प्राते दी चौक कमजी की प्राते दी लगा दी उदा वही चिजमुंग मसला दी 24 घंटों की नन हल छी का हल नशवा नुमुंगा बमरू और जमुंगा सचिन और चौक दागा दिया बमरी बा खास कर मुंग DHO से अपना मारा को ऊँची दा मसला तलता हेल्थ ऑफिस अफसर दा मसला तजर हल्का बस इट मानी तना से और मुंगा ढेर मजबूर ढेर दागे ता एहतिजात तरावती हूँ देखे खास कसान जमुंगा कोरोना शू आगा दे वजी ना कोरोना शू ची हेल्थ डिपार्टमेंट की मुलाजमत वो को 8 महीना आगे तब पैसे मिलाओ न शू ढेर ढेर मुश्किल मत करा ले भाई ची चतराल खलक दी ता टोल शहर वाला खलक दी दीदी हक दे दी तदा कबुल दी वरना दा हल नशु चतराल की डेर घट शर और फिसद बजोश मेहरबानी थैंक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बीबी हजरा अस्त 12/12 दई पोस्ट अपॉइंटमेंट होती है अतः कहीं हमने बात करा नो बुन सुम जुस्त अस्पताल दुरार कान दूरी 1 किलोमीटर दुधेरी भी जोमान फोन इस पर ड्यूटी को दम 8 महीना उस पर तनख्वाह नहीं की दूर मजबूरियात आज सका झेल अंगान इस पर ड्यूटी को रही है लिहाजा इस पर दरख्वास्त है कि इस पर तनख्वाह इस पर दियो नंबर मेहरबानी। सलाम जी, मना खुशबू की उस महसूस पाता हूँ हमने पता नहीं कि हुकूमत के किस्मत मसरा इस तुरा कर को किस पा तान दूर हन कर मां दे पेचे फुफु का जेले आन दे माजाओ छो 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 मासो अब तान हाथ फुफु का जेले दे कान्या भाई उपदेश लिहाज अस पाया तान खस पति बेल बस जी। सेना मेरा नाम निदा रहमान है, मेरा तारुक द्रोश है, मैं हेड डिपार्टमेंट का मुलाजिम हूँ। 8 महीने से मैं ड्यूटी का सर अंजाम दे रहा हूँ और 8 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिल रहा है। मैं DG हेल्थ और DHO चित्राल और DCO से अपील करता हूँ हमारे तनख्वाह जल्द अज जल्द रिलीज किया जाए और हमें तनख्वाह दिया जाए। अगर तनख्वाह नहीं मिलता तो हम आगे कदम उठाएँगे तो इसका ज़िम्मेदार DCO और DPO और MPA MNA सब जिम्मेदार होंगे और हमारा स्टाफ यहाँ अभी खड़े है। हम गरीब लोग के चिता पसमंदा इलाका है, हम अभी भी दरख्वास्त करें MPA MNA साहब से, वो कह रहे हैं कि 2 दिन से आपका मसला हल होगा। अभी हमें इतला मिल रहा है कि आप फारिग हो चुके हैं, हम इस बारे में एहतजाज कर रहे हैं। अगर हमारा ये मसला हल नहीं होगा तो हम इससे आगे जाके हम और भी काम करेंगे तो इसका ज़िम्मेदार ये अफसरान होंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट और DCO DPO होगा।
बहुत शुक्रिया। उस्ताद सो मसाले दा जी सर जमान मोहम्मद शाकिर दे जमा हेल्थ डिपार्टमेंट के अप्लाई करे सर नन वम म्यास दे सर मंग दलता खपल ड्यूटियान खत उसूल बानी करी दा वो सपोरी और सर खफर परमानेंट ड्यूटी में करी दा और नन मंग सदा जुलम शवे दे सर मंग नन वो म्यास चूंकि जमंग तनख्वाह मसलो मंग तनख्वाह दा पड़ रहा नन राग सर इंतहाई जुलम शवे दे इंतहाई जुलम दे सर दस दिन नौ तो गोर सर दिवल बची आगे स्थिति सर और दर ड्यूटियाँ निकली दे उन्हें वो आत्म म्यास दे सर मुंग दस जुलम मुंग से लिहाज मुंग दल तरह कर मुंग एहतजाज करी दे मुंग वो मोरत भूख हड़ताल की नाश यू सर कि अगर दम मसले वो नोशो मुंग खुदकशी ब कहो खपल अर्थ सब ख़त्म को खो दम मसले मुंग बहल कहो हाँ मसला हल मुंग बदिश कहो सर मुंग उम्र पूरी बदलता भूख हड़ताल जो कहो सर मुंग बदलता मनु खूब भूख हड़ताल ब कहो सर लिहाजा मुंग मसले जल्द अज जल्द मुंग इमरान खान तक दगा को सर मुंग दा मसले इन शाला खुदे पाक हल किया होता है सुबह ही वजीरान चिकम दी सर एम पी ए शो वजीरजादा सेब शो वजीर अला सेब शो से लिहाजा तो गुजारिश कहो चीदा मसले जल्द अज जल्द हल किया सर सर जी 12 दिसंबर अपॉइंटमेंट कर दी सर हेल्थ महकमा अतवागा नहाय टाइम पर ड्यूटी कर से तना जेलन गानी तन दुरान पे से तन मुश्किल तन मुख फेस करी बाकी आने से तनख्वाह मिला हो कोनो बेन तनख्वाह पर जब तक तनख्वाह इस पर मिला हो नो इस पर हेड एच ओ ऑफिस आसूस है मगर निशन इसको इस पर गुंजाइश नहीं जी मैं मीडिया की वजहत से आप हुकूमत पाकिस्तान को आगाह करना चाहती हूँ कि 6 महीने से हम ऐसे मुश्किल हालात में जैसे कोरोना जैसे वो मुजी मरा जो अमेरिका और इटली जैसे ममालिक का जीना हराम कर रखा है ऐसे हालात में हम ऐसे पसमानदा इलाकों में अपर चित्रा जैसे पहाड़ी इलाकों में के अस्पतालों में ना वहाँ पर ना हमारे लिए सैनिटाइज़र और मास्क ग्लव्स तक का दस्तियाब नहीं है। हम ऐसे मुश्किल हालात में 7 महीने से हम अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम यहाँ आके भूख हड़ताल करेंगे या खुदकुशी करेंगे या इसके अलावा हमें कोई चारा हमारे पास नहीं है। हमें हमारा तनख्वाह दे दिया जाए। हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है यह जुल्म इंडिया में भी किसी के ऊपर नहीं हो रहा है। जी हाँ कुछ महीना हया मलेरिया यूनिट अवा ड्यूटी को रही हसूँ अवा जेल आ रे को अवा जेल अभी हसूँ अवा हर्ष की मिस आ रे को मिसा भी हसूँ अवा क्वारंटीन आ रे को अवा तेरा भी हसूँ अवा तान हर्ष की गेजी दूर फर्श अवा माँ क्या तत् दीनी की अवा बो गरीब मोज मत अरमान 2-3 लाख रुपये माँ खर्चा की शे हो हुकूमत मत की चा कुरी दोन हो लिहाजा मत दिली की अवा ड्यूटी को रही हसूँ उजा रुआ नो खुदकुशी की आरतम या इस पा की और नहीं हो जिम्मेदार इस पा लोटरुआन हो हाल को रे लिखवा हवा ड्यूटी को रही असूम हवा मुख्तलिफ जागोत को सी असूम इस पा गरीब रोय इस पा रान दुआ गानी बोर गोला पत इस पा इलू इस पा इब्रागिनी पर डीचो साफ इस पा लोटरो हाल को रही एम पी ए साहब डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर यहाँ पे कोई 108 लोग बैठे हैं क्लास 4 है, उनका शिकवा है कि हमें 8 महीने पहले भर्ती किया गया मगर हमें तनख्वाह नहीं दिया जा रहे हैं और उनका ये गिला है कि डीचो साहब हमारा केस शायद तनख्वाह के लिए फॉरवर्ड नहीं करता, इनका क्या मसला है जी, क्या बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के ओपिनियन को हमसे पूछा। ये रिक्रूटमेंट भर्ती हुई थी 12 दिसंबर 2019 को और इस भर्ती पे यहाँ के जो सियासी नुमाइंदे हैं सर्विंग एमपीएस उनका एतराज़ था कि भर्ती में इलीगेलिटीज़ इरेगुलरिटीज़ यानी गैर कानूनी तरीके से भर्ती हुई है, तो उन्होंने प्रोविंशियल डायरेक्टरेट जनरल के ऑफिस को रब्ता किया, सेक्रेटरी साहब को दरख्वास्त दी और 27 दिसंबर 2019 को महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने डायरेक्टरेट जनरल के दफ्तर के ज़रिए एक इंक्वायरी की हुक्म की कि डीएचओ लोअर दीर डीएचओ अपर दीर इंक्वायरी करके रिपोर्ट देंगे और उसी तारीख को 27 दिसंबर को एक दूसरा हुक्म हुआ कि ये भर्ती उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा। मैंने चार्ज ली यहाँ फरवरी में, फिर लोअर का एडिशनल चार्ज लिया मार्च में और मैंने इंक्वायरी करते ही जब ये चीज़ें सामने आईं तो मैंने वो दोनों हुक्म
सारे अस्पतालों को भेज दिए और सबसे ये मैंने कह दिया कि ये अपना ड्यूटी जो है वो ना करें, क्योंकि हो सकता है कि भर्ती मुअत्तल है और इंक्वायरी हो रही है, तो उसका जो नतीजा निकलेगा तो उसके बाद फिर ये देखें। जहाँ तक भर्ती का ताल्लुक है तो 105 वैकेंट सीटों के लिए 115 अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुए हैं, यानी 10 इजाफी लोगों को भी लेटर इशू हुए हैं। इसमें ज़्यादातर भर्ती उन डिस्पेंसरीज के लिए हो रहा था जो पीपल वर्क्स प्रोग्राम में आज से 25 साल पहले बनाए गए थे और अभी महकमे सेहत उनको अपने चार्ज में लेके उनके ऐसे नहीं मंजूर हो के उनको फंक्शनल करा रहे हैं। अब ये है कि वो जो डिस्पेंसरीज बने हैं वहाँ पे लोगों ने मुफ्त ज़मीनें दी हुई हैं, 25 साल तक उस बिल्डिंग की खबरगिरी की है और इस इंतज़ार में थे कि नौकरियाँ उनको मिलेंगी, उनका कोई अफाका होगा। कई ऐसे मालिकान जायदाद हैं जिनको नौकरियाँ ना दी गईं, वो अब उन अस्पताल को फंक्शनल होने नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एम्प्लॉज सन कोटा क्लास 4 में एम्प्लॉज सन कोटा होता है, मुर्दा मुलाजमीन के कोटा होता है, डिसीज सन कोटा कहा जाता है, यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा होता है, यहाँ पे 2% डिसेबल कोटा होता है स्पेशल लोगों के लिए। ये सारे कोटे भी वायलेट हुए हैं इस भर्ती में और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी भर्ती की गई है। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा का ये गाइडलाइन है कि जो सबसे नज़दीक तरीन हो अस्पताल के उसको फोकियत दी जाए। इन्होंने सैकड़ों मील दूर से भर्तियाँ की हैं, इनमें कुछ भर्तियाँ ऐसी भी हुई हैं कि मारदान काटलंग से गर्म चश्मा नारकुरत के डिस्पेंसरी में क्लास 4 भर्ती किया गया है। अब इन 105 के 105 तो गलत नहीं हो सकते, इसमें कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो जायज़ भर्ती के नीचे 7 महीनों से अपनी नौकरियां कर रहे हैं, ड्यूटीज़ कर रहे हैं। मैंने आके यहाँ पे एक लेटर इशू किया है कि जिन लोगों ने अपने अराइवल ओरिजिनल पोस्ट जहाँ पे उनकी तैनाती हुई है, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई है, वहाँ पे अगर उन्होंने अराइवल दी है तो ठीक है, मगर ऐसे जो अपने तैनाती की जगह पर ही नहीं जा पा रहे और दूसरे जगहों पर जाके उन्होंने अराइवलें दी हुई हैं, ये कानूनन ठीक नहीं है। मगर अब इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है, मुर्दा मुलाजमीन के कोटे में भर्ती शुदा 3 अफराद के अलावा बाकी मुलाजिम जिस डीएचओ ने ये भर्ती किया था तो उसके इलम में ये बात नहीं थी कि यहाँ पे लाइसेंस कोटा है या लैंड ओनर है या इस तरह जो हकदार लोग हैं उनको ये पता नहीं था। असल में डॉक्टर साहब जनरल कैडर के डॉक्टर थे, कभी मैनेजमेंट पोस्ट पे उनकी पोस्टिंग पहले नहीं हुई थी तो उनको मालूम होना चाहिए था, क्योंकि जब आप एक जिम्मेदारी के सीट पे बैठते हैं तो फिर इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज। मगर उनसे कुछ कोताहियाँ अलबत्ता हुई तो ये मसला बना। इनमें से जो लोग जायज़ तरीके से अपनी जगह पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं उनके इंचार्जेस ने भी उनको सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं कि ये जायज़ भर्ती है और 7 महीने से अपने ओरिजिनल पोस्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी तनख्वाहें दी जाएं। तो उसके लिए अगर कोई इंक्वायरी रिपोर्ट में सिर्फ ये जिक्र है कि जो मुर्दा मुलाजमीन डिसीजन कोटा में भर्ती शुदा है उनका रिकॉर्ड हमें बेचा जाए और बाकी के बारे में डिसीजन ली जा चुकी है कि ये गैर कानूनी है, दोबारा भर्ती की जाए और ज़ीरो से स्टार्ट किया जाए। अब इसमें यहाँ के जो सियासी नुमाइंदे हैं उनके वर्किंग MPAs हैं, उनकी कोशिश है कि कमेटी बनाई जाए और कमेटी जायज़ और नाजायज़ का फैसला करे। DHO ऑफिस को उस किसी मुलाजिम से कोई शिकवा नहीं जो अपने ओरिजिनल पोस्ट पे जाके ड्यूटी कर पाए, मगर वो मुलाजमीन जो अपने पोस्ट पे नहीं जा पा रहे हैं, जिनको वहाँ की लोकल कम्यूनिटी नहीं छोड़ रही, जिसको लैंड ओनर्स नहीं छोड़ रहे, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो आइंदा भी तो यही है कि वो नहीं जा पाएंगे। तो मेरा दरख्वास्त ये है कि सबसे पहले कोटे इंश्योर होंगे और जो मालिक जायदाद हैं उनके हकूक उनको मिले ताकि आइंदा के लिए सेहत के महकमे के लिए कोई मसला ना बने। इस तरह की भर्ती जो आइंदा अपना
लोगों की खिदमत अंजाम ना दे पाए और सिर्फ महकमे पे बोझ बने रहें, उसके बारे में भी आप खुद सोचें कि हम सेहत का महकमा, खिदमत का महकमा है, सर्विसेज डिपार्टमेंट है, लोगों की सेहत की खबरगिरी करनी है, अगर 40-50 मुलाजमीन अपने तैनाती की जगह पे ही नहीं जा पा रहे तो वहाँ कल के लिए महकमे सेहत पर एक बहुत बड़ी बोझ बन जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस डीएचओ ने ये की है और उसमें से गलती हुई, क्या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश है कि जो अफसर गलती करे उनसे कोई पूछ गछ, कोई सजा जजा इस तरह कोई है? ये हायर अथॉरिटीज के नोटिस में है, ऑलरेडी इंक्वायरी कंडक्टेड है, इंक्वायरी रिपोर्ट हम तक अभी तक नहीं पहुंच पाई, तो इसके बारे में मैं क्या कह पाऊंगा कि इंक्वायरी ऑफिसर्स ने क्या रिकमेंडेशंस किए हैं, उनके क्या रिमार्क्स हैं। तो ये जो 108 लोग हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा? ये कह रहे हैं कि हम उनमें से कई लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा? इसमें मेरे ख्याल में तो जो लोग जायज़ भर्ती होकर अपना जायज़ तरीके से नौकरी कर रहे हैं दोबारा भी उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, मालिक जायदाद को कंसिडर किया जाएगा, और वो लोग जो नियरेस्ट टू द फैसिलिटी हैं और जायज़ तरीके से काम कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट की भी ये कोशिश होगी कि जिन लोगों ने इस 7 महीने में ड्यूटीज़ की हैं, इतवार के दिन भी कोविड कैंपेन में फील्ड में भी, और वो एक तरह से हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं, उन लोगों के लिए यकीनन डिपार्टमेंट के दिल में वही जज्बात हैं जो जज्बात रख के उन्होंने लोगों की खिदमत की। डॉक्टर साहब, चूँकि सिविल डिस्पेंसरी बीचूज आरईसीज वगैरह डीचो, ये डीचो के अंडर आते हैं ना, तो क्या डीचो ऑफिस ने कभी मतलब ये इंश्योर किया है, विजिट किया कि ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं? डिपार्टमेंट की भी ये कोशिश होगी कि जिन लोगों ने इस 7 महीने में ड्यूटीज़ की हैं, इतवार के दिन भी कोविड कैंपेन में फील्ड में भी, और वो एक तरह से हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं, उन लोगों के लिए यकीनन डिपार्टमेंट के दिल में वही जज्बात हैं जो जज्बात रख के उन्होंने लोगों की खिदमत की। डॉक्टर साहब, चूँकि सिविल डिस्पेंसरी बीचूज आरईसीज वगैरह डीचो, ये डीचो के अंडर आते हैं ना, तो क्या डीचो ऑफिस ने कभी मतलब ये इंश्योर किया है, विजिट किया कि ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इनकी कोई एब्सेंटी या कोई इनका अटेंडेंस रिपोर्ट सामने आया अंदर रिकॉर्ड? देखिए, ये महकमा सेहत का एक पॉलिसी है, और सूबाई वज़ीर सेहत जनाब तैमूर खान जगड़ा साहब की हिदायत है, और ये एक पॉलिसी है कि हर एक फैसिलिटी को महीने में एक मरतबा कम अज़ कम डीएचओ ऑफिस विज़िट करे, तो हर महीने फैसिलिटीज़ की विजिट्स हो रहे हैं, और जो अपने ओरिजिनल पोस्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं उनका भी हमें पता है, और उनके इंचार्जेस ने भी इन राइटिंग हमसे करस्पॉन्डेंस की है, और जो लोग अपने ओरिजिनल पोस्ट पर नहीं जा पा रहे हैं उनका भी हमें पता है, और हमें इस बात का ऐसा ये पता है कि कौन कौन ड्यूटी कर पा रहा है और कौन कौन ड्यूटी नहीं कर पा रहा, मगर मामला डीएचओ ऑफिस से ऊपर जा चुका है, इस सिलसिले में डीएचओ ऑफिस कोई फैसला नहीं कर पाएगा। जब आपसे बाला अफसरान एक फैसला कर ले तो या तो वो खुद ही उसको दोबारा उसमें रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं या उनसे हायर अथॉरिटी कर सकती है, तो डीएचओ ऑफिस के बैकग्राउंड से ये बॉल निकल चुकी है। थैंक यू सर, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।